नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है, दरभंगा के कोतवाली थाना क्षेत्र से, जहां पर दरभंगा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी की है। अपराधी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सतर्कता गई और आपके जीवन में दुर्घटना हो सकती है। समझ सकते हैं कि छोटी छोटी बातों पर कैसे लात घुसा के बाद अब भयानक मारपीट में लोग बदल देते हैं। सबसे बड़ी बात बता दें कि दरभंगा के कोतवाली थाना क्षेत्र में जिस तरह से मारपीट की घटना हुई थी उसका पूरा मामला बता देते हैं। और सदर DSP अमित कुमार और थाना के थानाध्यक्ष राहुल कुमार इस वक्त मौजूद हैं और अपराधियों को भी यहां पर लाया गया है मीडिया के सामने। देख सकते हैं इनके चेहरे पर काला पट्टी, जो काला कपड़ा है वो बांध दिया गया है कि चेहरा न देख पाए, लेकिन सेक्स समझ सकते हैं। आपको बता दें कि दरभंगा के कोतवाली थाना क्षेत्र से केमॉल परिसर में यहाँ पर थूकने को लेकर विवाद में बुरी तरह पीट कर घायल युवक के मामले में पुलिस ने एक ही परिवार के एक नाबालिग सहित 3 आरोपी को पुलिस ने मधुबनी जिला के खुतौना थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सदर DSP अमित कुमार ने बताया है कि मारपीट कर बुरी तरह घायल युवक का इलाज शहर के निजी अस्पताल में चल रहा है। कोतवाली थाना अध्यक्ष राहुल कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, जहां मधुबनी जिला के खुटौना थाना क्षेत्र से मोहम्मद इमाम, उनके दोनों पुत्र मोहम्मद शाहनवाज एवं एक नाबालिग पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद इमाम के दोनों पुत्र जो कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरानी मुंसफी ठेड़ी बाजार के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया है कि अन्य नामजद आरोपी को गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तो बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर ये गिरफ्तारी हो गई है। नगर थाना क्षेत्र के सोनापथ सेनापथ मोहल्ले के रहने वाले अब्दुल कलाम उर्फ जूही के 22 वर्षीय पुत्र मोहम्मद जिलानी के द्वारा थूक फेंकने के दौरान मोहम्मद शाहनवाज के शरीर पर पड़ गया था। जिलानी ने माफी मांगते हुए शरीर पर पड़े थूक को साफ कर दिया था, लेकिन शाहनवाज का गुस्सा शांत नहीं हुआ और स्मार्ट बाजार से निकलने के दौरान अन्य साथियों के साथ जिलानी की बुरी तरह पिटाई कर दी, जिससे जिलानी आज जिंदगी और मौत का जंग लड़ रहा है। आपके जीवन में ऐसा कोई काम न करे जिससे कि आपका परिवार, आपका जीवन कभी भी खतरे में पड़ जाए। क्या है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या हुआ? देखिए, पूरा मामला यह है कि जैसा आप लोगों को कल जानकारी थी कि 20 तारीख को कांड संख्या 19/24 कोतवाली थाना में दर्ज कराया गया था जफरा खातून के द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके पुत्र को कुछ लोगों के द्वारा मार के गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया है। लड़का अभी इलाजरत है, उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है और तत्परता दिखाते हुए टेक्निकल संसाधनों के आधार पर नगरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया और कोतवाली के थानाध्यक्ष स्वयं छापेमारी करते हुए मधुबनी से जो 3 मुख्य अभियुक्त हैं, मोहम्मद साहिल पिता मोहम्मद इमाम, शहनवाज पिता मोहम्मद इमाम और मोहम्मद इमाम पिता का नाम नामालूम, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और फॉरवर्ड किया गया है। कारण क्या? देखिए, जैसा कि बताया गया, कारण ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं था, ना कोई पुरानी रंजिश थी और ना ही कोई प्री प्लान्ड ये एक्शन था। स्मार्ट बाजार में अंदर शॉपिंग के दौरान इन लड़कों के आपस में कुछ झड़प हुई, हल्का सा वीडियो में जैसा दिख रहा है हल्का सा कंधा टकराया, उस पर कुछ विवाद विवाद हुआ और लोगों ने अपने साथियों को बाहर बुला लिया और स्मार्ट बाजार के से थोड़ी दूर रोड के अपोजिट साइड में मारपीट हुई। मारपीट में पास पड़े हुए एक बांस के बल्ले से इसके सर पर वार हो गया लड़ाई के क्रम में, जिससे गंभीर रूप से चोटिल हो गया और इलाजरत है।